नमस्कार, मैं विजय दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं न्यूज एक्सप्रेस मीडिया की तरफ से। आज हम लोग कुसियारा फॉल पर आए हुए हैं। कुसियारा फॉल मिर्जापुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और इसके आने का रास्ता दो तरीके से है। यदि आपको कुसियारा फॉल आना होगा तो सबसे पहले मिर्जापुर से आप लालगंज रोड पर आइए। लालगंज से दाएं साइड एक रास्ता कटा हुआ है और वहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर आप अंदर आते हैं तो कुसियारा फॉल आपको मिल जाएगा। और जो दूसरा रास्ता है आपको यहां पर पहुंचने का, आप मिर्जापुर से विंध्याचल, विंध्याचल से गैपुरा और गैपुरा से आप विजयपुर होते हुए लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ेगा और आप कुसियारा फॉल आ सकते हैं। कुसियारा फॉल कुसियारा जंगल में स्थित है और ये जंगल काफ़ी बड़ा है और लोगों का यहाँ के आसपास का लोगों का मानना है कि यहाँ पर आज भी बहुत तादाद में भालू, चीता और इस टाइप के जानवर अवेलेबल हैं। कुसियारा फॉल एंड कुसियारा जंगल ये गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित है और इस जंगल में काफ़ी मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन कुसियारा फॉल को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से पिकनिक मनाने के लिए काफ़ी दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के लोग काफ़ी लोग आते हैं। यदि कहा जाए तो अभी हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया तो मालूम चला कि लोग कानपुर से तक यहाँ पर आए हुए हैं। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ काफ़ी दूर दूर से इस फॉल को देखने के लिए आते हैं, अच्छा समय बिताने के लिए आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि ज्ञान जी आप थोड़ा सा दिखाएँ कुसियारा फॉल की सुंदरता को। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है फॉल में, कितनी तीव्र गति से यहाँ पर पानी का बहाव है। ये देखा गया है कि हम लोगों ने बहुत सारे फॉल का रिव्यू किया है लेकिन ये फॉल जो है काफ़ी बड़े में है। पहला फॉल एक बड़ा आगे है, उसके बाद ये दूसरा फॉल है, इसके बाद यहाँ पानी उग रहा है। बस सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि कोई भी पर्यटक थोड़ा सा ध्यान दे कि यहाँ पर कूदे न, यदि वो नहाना चाहे तो नहा सकता है, लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं कि इसमें कूदने लगते हैं। कूदने से क्या होता है कि ये सारा पत्थरों से बना हुआ है, सारा पत्थर है और कहीं ना कहीं सिर में चोट आने से लोगों की मौत भी हो सकती है। तो हमारा ये आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप यहाँ पर आए घूमने के लिए, नहाने के लिए, मजा मस्ती करने के लिए, लेकिन इस फॉल में कूदे न, कतई न कूदे। और अभी एक यहाँ के आसपास का एक व्यक्ति ने बताया कि कल के डेट में एक छोटी सी दुर्घटना भी हो गई जिससे उस व्यक्ति को बहुत ही चोट आ गई थी सर में, क्योंकि उसने भी यही गलती करी, इस फॉल में कूदा। कूदने से कहीं ना कहीं आपको चोट निश्चय ही आएगी। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी यहाँ पर चट्टानें हैं और घूमने का बहुत ही काफ़ी अच्छा जगह ये माना जाता है। पिकनिक के दृष्टिकोण से यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं घूमने टहलने के लिए और यहाँ पर 3 से 4 महीने आपको इसी तरीके से पानी यहाँ पर मिलेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए और इसी तरीके से आप पानी पाओगे। तो आइए चलिए मैं दिखाते हैं और आगे जो एक और फॉल है उसको आप लोगों से अवगत कराते हैं। आइए आप लोगों को एक और ही फॉल दिखाते हैं जो कुसियारा फॉल का एक दूसरा फॉल भी है। आइए देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर है, पानी का बहाव है, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर पानी का जो एक माहौल है बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी आपको परेशानी का झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन पानी आपको काफ़ी मात्रा में आपको यहाँ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर काई भी जमी हुई है, इसके कारण दुर्घटना का थोड़ा सा और भी चांसेस हो जाता है। देख सकते हैं कि कितना फिसलन है, लोग इसी चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ पर पानी नहीं होता है वहाँ पर फिसलन नहीं होता है लेकिन जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर बहुत सारे काइयाँ हो जाती हैं जिसके कारण फिसलने के चांसेस 500% हो जाता है। बहुत चिकना है और इन सारी चीज़ों को सावधानी लोगों को बरतनी होगी कि जहाँ पर पानी हो वहाँ पर आराम से उतरें। और एक चीज़ ये भी है कि इससे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो हम लोगों को ये कहना है कि आप जब कभी भी आएँ तो इसमें आप कूदें ना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ यही होता है कि वो पानी में कूदते हैं और जहाँ कहीं भी हम लोगों ने देखा पानी में काइयाँ बहुत जमी हुई हैं। आप यदि देखा जाए तो कम से कम आधी इंच तक काइयाँ इसमें जमी हुई है जिसके कारण लोग फिसलने का चांसेस बहुत होता है, देख सकते हैं आप अपनी आँखों से। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक इस फॉल को इसलिए रिव्यू कर रहे हैं कि जब कोई यहाँ पर आए
तो पानी जब है तो कहीं ना कहीं फिसलन जरूर होगा, और इसमें लोग कूदे ना, कूदने से ही फिसलन के कारण लोग गिर जाते हैं और सर में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु तक होने के चांसेस बने रहते हैं। तो आप लोगों से यही हमारे लोग की गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर आए घूमने के लिए, लेकिन कूदने का जोखिम ना उठाएं। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमने के दृष्टिकोण से, आप लोग आ सकते हैं। पानी लगभग हर जगह है, और ये भी कहा जा रहा है कि पानी अभी इसमें और बढ़ेगा, पानी का जो सिस्टम होने वाला है और भी होने वाला है यहाँ पर, और भी अच्छा पानी आपको यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे चट्टाने कितने बड़े बड़े हैं, आपको आराम से चलना होगा। आप देखिए कितना बड़ा फॉल जो कुसियारा फॉल में है, दूसरा ये सबसे बहुत बड़ा फॉल है। आप देख सकते हैं कि कुछ सैलानी लोग हैं और यहाँ पर घूमने टहलने के लिए आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आँखों से अपने, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करना होगा। आप आराम से घूमिए यहाँ पर, लेकिन बस वही बार बार मेरे को कहना पड़ रहा है क्योंकि कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई यहाँ पर कूदने के कारण। तो आप लोग कूदे ना, और आपको बहुत अच्छा यहाँ पर महसूस होगा। आप देख सकते हैं कितना दिव्य जगह है कुसियारा फॉल, यहाँ पर बराबर पानी। आप देखिए कितना दिव्य जगह है, आप देख सकते हैं अपनी आँखों से देखिए। ज्ञान जी थोड़ा दिखाइए कि कितना अच्छा यहाँ पर फॉल है। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। आप देखिए कि ये पहला फॉल है, अभी हम लोगों ने दूसरा फॉल देखा कुसियारा पे। आप देखिए कितना अच्छा जगह है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फॉल है ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में फॉल के वाटरफॉल की एक श्रृंखला है ये कहा जाए। यहाँ पर बहुत सारे फॉल्स हैं जिसको हम लोगों ने रिव्यू किया है, और ये हमारा बहुत ही अच्छा फॉल रहा है अभी तक का कि इसमें काफ़ी तादाद में बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छा जगह है, बहुत ही दिव्य जगह है। आप यहाँ पर आने के बाद बहुत ही रिलैक्सेशन होगा। बस एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप जब भी यहाँ पर घूमने के लिए आए तो आप यहाँ पर कूदें ना, क्यों, और दूसरी चीज़ पानी में जब कभी उतरें तो थोड़ा सा ध्यान देकर उतरें, क्योंकि काई जमा हुआ है पत्थरों पर जिसके कारण लोग फिसल जाते हैं, और फिसलने के कारण उनके सर में और हाथ पैर में चोट आ जाती है। तो इसी के साथ अब हम लोग इस रिव्यू को क्लोज करना चाहेंगे। मैं विजय दुबे, कैमरामैन ज्ञान के साथ, न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया।